नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द इन्वेस्टमेंट गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्मा कंपनी की लॉरस लैब्स लिमिटेड। अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी का पिछले 5 दिन का यहाँ पे ट्रेंड देखें तो 5 दिन में कंपनी ने जो है अराउंड 8% का ट्रेंड दिया है। पिछले 6 महीने की बात कर ले तो पिछले 6 महीने में स्टॉक ने दिया है 200% का रिटर्न। अगर हम लोग पिछले 1 साल की बात कर ले तो 1 साल में स्टॉक ने दिया है मोर देन 300% का रिटर्न। दोस्तों, रिटर्न के मामले में एक धमाकेदार रिटर्न इस कंपनी ने दिया है अब तक। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जानेंगे, उसी के साथ हम लोग डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे स्टॉक के लॉन्ग टर्म यहाँ पे एनालिसिस का। तो हम लोग कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों देखेंगे, जिसकी मदद से हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कंपनी में निवेश करना है कि नहीं करना है, करना है तो कौन से लेवल पे करना है, कौन से इंपॉर्टेंट जो है एंट्री पॉइंट हो सकता है, एज वेल एज अपने पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा हम लोग इस टाइप के कंपनी में जो है यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग जो है वन बाय वन यहाँ पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपने अब तक द इन्वेस्टमेंट गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसी के साथ बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। चलिए दोस्तों, बात करता है कंपनी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कंपनी को। दोस्तों, कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है यहाँ पे 2005 में जो है एस्टेब्लिश हुई, तो ज्यादा बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, 15 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी की बात करें तो कंपनी का करंट हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, तो इंडिया की कंपनी है। अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट देखें तो एपीआई एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, इसी के साथ जेनरिक फिनिश डोसेज फॉर्म्स, तो ये जो है कंपनी जो है जेनरिक दवाइयां भी बनाती है, और जो 10 टॉप 10 जो है यहाँ पे वर्ल्ड में जेनरिक दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, तो उनके साथ जो है इस कंपनी का टाइप है। अगर हम लोग दूसरे इस कंपनी के जो है प्रोडक्ट देखें तो इंग्रेडिएंट्स एज वेल एज सिंथेसिस, इस टाइप के जो है प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। अगर कंपनी के अप्रूवल्स देखें तो बड़ी फर्म्स जैसे कि USFDA, WHO, NIP, हंगेरी, KFDA, इस टाइप की जो है बड़ी जो है फर्म्स से जो है इस कंपनी को अप्रूवल मिल चुके हैं दवाई बनाने के लिए। दोस्तों, जैसे कि हमने नोटिस किया कि कंपनी जो है 1 साल में बहुत ज्यादा भागी, तो उसका अगर हम लोग मेजर रीजन देखें तो ये लाइन पढ़ के हम लोग समझ सकते हैं, द कंपनी अनाउंस दैट इट वुड सप्लाई हाइड्रोक्लोरोक्विन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। दोस्तों, कोविड-19 की जो है दवाई बनाने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, और ये कंपनी जो है वो इंग्रेडिएंट बनाती है, तो इसके कारण कंपनी को जो है बहुत अच्छा जो है यहाँ पे प्रॉफिट हुआ पिछले 3-4 क्वार्टर की बात करें तो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कंपनी की इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज के बारे में। कंपनी ने यहाँ पे जो है अधिग्रहण किया है, एक्विजिशन किया है लॉरस लैब। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लॉरस लैब एंटर रैपिडली ग्रोइंग बायोटेक सेगमेंट बाय एक्वायरिंग द मेजोरिटी स्टेक इन रिचकोर लाइफ साइंसेस। तो रिचकोर लाइफ साइंस ये जो कंपनी है ये कर्नाटका बेस्ड कंपनी है बायोटेक की। तो इस अधिग्रहण के बाद यहाँ पे लॉरस लैब जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है जल्दी यहाँ पे बायोटेक टेक्नोलॉजी ये उनका सेगमेंट है जिसपे यहाँ पे ग्रो कर पाएगी। अगर हम लोग कंपनी का यहाँ पे एक चीज देखे तो कंपनी ने जो है ये अधिग्रहण की वैल्यू निकल के आ रही है 246 करोड़ के आसपास, और इस एक्विजिशन के बाद लॉरस लैब्स ये जो कंपनी है इसको 72.55% की जो है हिस्सेदारी रिचकोर्स ने जो है यहाँ पे खरीद लिया है, तो मेजर प्रमोटर भी हम लोग जो है रिचकोर का अभी लॉरस लैब्स को कह सकते हैं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। दोस्तों, फंडामेंटल देखने से पहले मैं आपको मोटिवेट करूंगा, कंपनी की इस वेबसाइट को विजिट कीजिए जिसकी मदद से आपको कंपनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी के साथ इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाके जो है वीडियो पॉज करके लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका हर एक जो लाइक है जो है मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। दोस्तों, कंपनी की अगर हम लोग मार्केट कैप देखें तो यहाँ पे जो है ये मिड कैप साइज की कंपनी निकल के आ रही है, 15,690 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है कंपनी का। अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें तो 292 पे यहाँ पे निकल के आ रही है, 52 हाई देखे तो 354.45 बनाया था जो यहाँ पे कोविड के बाद बनाया था, रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले बनाया था। 52 लो देखे तो जो है वो था 59 रुपीज का। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, कंपनी की जो फेस वैल्यू थी वो 10 पे थी, अभी ये 2 पे हो चुके, तो ये जो कंपनी का जो है प्राइस जो है आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पे निकल के आ रही है, तो इसकी वजह से आप जो है ये प्राइस अभी देख पा रहे हो। कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो 40 पे चल रहा है। अगर हम लोग कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो चल रहा है 15.4 पे। कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉक की पी की बात करें तो 26 पे चल रहा है, और इंडस्ट्री पी के लगभग यहाँ पे आसपास ही कंपनी जो है ट्रेड कर रही है। कंपनी की रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास जो है 2000 करोड़ से ज्यादा जो है रिजर्व है। वहीं पे अगर हम लोग कंपनी की डेप्थ की देखें तो डेप्थ है कंपनी के ऊपर 932 करोड़ का। कंपनी के प्रमोटर का आज के डेट में जो है 16.4% जो हिस्सेदार जो है प्रमोटर का गिरवी है या फिर प्लेज है। तो कंपनी की शेयर होल्डिंग देखें तो कंपनी के प्रमोटर की हिस्सेदारी 32.13% जो कि लगभग जो है यहाँ पे पिछले 3-4 क्वार्टर से वहां पे जो है आसपास यहाँ पे निकल के आ रही है।
कंपनी के प्रमोटर के अगर हम लोग तो यहाँ पे कितने प्लेज शेयर्स वो देखे तो अराउंड 31.56% है, लेकिन ये जून 2020 का यहाँ पे डेटा है, तो अगर हम लोग लेटेस्ट डेटा देखें तो ये जो है लगभग हिस्सेदारी जो है 16% के आसपास निकल के आ रही है। अगर हम लोग फॉरेन प्रमोटर की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास है 16% की हिस्सेदारी, और अगर हम लोग यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उनके पास है 32.39% की हिस्सेदारी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी कुछ हिस्सा यहाँ पे 0.17% का यहाँ पे जो है लेके रखा है स्टॉक का, और अगर हम लोग रिसेंटली बात करें तो पिछले क्वार्टर से ही हमें बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने भी हिस्सेदारी बनाई 4.15% की, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो है यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रही है। अगर हम लोग यहाँ पे पब्लिक की बात करें तो जनरल पब्लिक के पास है 19.42% की हिस्सेदारी, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले ऑलमोस्ट जो है 3 to 4 times यहाँ पे बढ़िया है। चलिए बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के बारे में। कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पे सारी के सारी जो फिगर्स है रुपीज इन करोड़ में है। यहाँ पे 2014 से लेके 2020 तक का डेटा हम लोग देख पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का सेल्स देखे तो 1160 करोड़ पे आसपास अभी ये पहुंच चुका है 2800 करोड़। और अगर आप यहाँ पे देखें तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे जो है इजाफा हो रहा है, कंपनी का सेल्स हर साल यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है, तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा पॉइंट निकल के आ रहा है कंपनी के लिए। पिछले 5-6 साल से कंपनी का कंसिस्टेंटली यहाँ पे सेल्स बढ़ रहा है। अगर हम लोग कंपनी के एक्सपेंस पे ध्यान दें तो एक्सपेंस था कंपनी का अराउंड 951 करोड़ के आसपास 2014 की बात करें तो, और अभी ये 2020 में पहुंच चुका है 2266 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एक्सपेंस की बात करें तो इस टाइप की कंपनी में जो है एक्सपेंस उसी हिसाब से बढ़ता है जिस हिसाब से सेल्स बढ़ता है, क्योंकि एक्सपेंस का एक पार्ट होता है, कॉम्पोनेंट होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो जिस हिसाब से फ्यूचर में भी इस कंपनी का सेल्स बढ़ेगा तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनली हम लोग एक्सपेंस भी उसी हिसाब से बढ़ते हुए देख पाएंगे। कंपनी के अगर हम लोग इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट था कंपनी के ऊपर 64 करोड़ के आसपास का, और अगर हम लोग लेटेस्ट बात करें तो 2020 में ये पहुंच चुका है 90 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कंपनी जो है इंटरेस्ट इसका अच्छा खासा जो है कंट्रोल में रखा है, कंपनी की ग्रोथ हुई है लेकिन उस प्रोपोर्शन में कंपनी का जो है इंटरेस्ट नहीं बढ़ाया है। अगर हम लोग कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट था 97 करोड़ के आसपास, और अभी ये पहुंच चुका है 255 करोड़ के आसपास। बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 2017 में मार्केट में लिस्ट हुई थी, और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो स्टॉक ने कंसोलिडेशन जोन को फेस किया था, यानी कि सीमित दायरे में स्टॉक चल रहा था 2017 से लेके मार्च 2020 तक। उसके बाद अगर हम लोग इस सर्कल के एरिया को नोटिस करें तो वहां पे स्टॉक में अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, और स्टॉक जो है नीचे के लेवल से यहाँ पे जो है 3 to 4 times यहाँ पे ऊपर गया था। इसके पीछे का अगर हम लोग मेजर कारण देखें तो हाइड्रोक्लोरोक्विन ये जो है इस पर्टिकुलर तेजी के पीछे का कारण था। कोविड-19 की जो है दवा बनाने के लिए ये जो है प्रिवेंटिव की तरह काम करती है हाइड्रोक्लोरोक्विन, तो इस वजह से कंपनी का सेल्स बहुत धमाकेदार बढ़ा, जिसकी वजह से हम लोग जो है अच्छी खासी स्टॉक में जो है ग्रोथ आते हुए देख सकते हैं। दोस्तों अभी मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा कंपनी के शॉर्ट टर्म यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे, जहाँ पे हम लोग जून जुलाई से लेके अब तक का डेटा देख पा रहे हैं, पिछले 6-1 महीने का डेटा देख पा रहे हैं। कंपनी के हम लोग ग्रोथ देखे तो अच्छी खासी यहाँ पे कंपनी जो है रैली दी है, अच्छा खासा पैसा बना के दिया है इन्वेस्टर का। रिसेंटली अगर हम लोग कंपनी का हाई देखे तो 345 के आसपास कंपनी ने हाई बनाया था, और अगर हम लोग इन कैंडल स्टिक का एनालिसिस करें तो कंपनी इस लेवल के ऊपर नहीं टिक पाई, तो एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस 345 के आसपास कंपनी को निकल के आ रहा है। कंपनी के पिछले 2-3 वीक का यहाँ पे चार्ट देखे तो 300 रुपए से लेके 250 ये जो पर्टिकुलरली जोन निकल के आ रहा है, तो इसी जोन में कंपनी जो है ट्रेड कर रही है, इसी सीमित दायरे में कंपनी ट्रेड कर रही है। तो अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी हो तो यहाँ पे कम से कम 300 रुपए का जो है ये पर्टिकुलर लेवल कंपनी तोड़ के 3 से 5 जो है डेज में, यानी कि डेली में जो है क्लोजिंग इसके ऊपर देती है, तो हम लोग फ्रेश बाय के लिए सोच सकते हैं। लेकिन तब तक आप स्टॉक को अवॉइड कीजिए, वॉचलिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लंबे अवधि के लिए इस स्टॉक में जो है एंट्री किए हो तो भी आप इस स्टॉक में बने रह सकते हो, कोई इशू नहीं है। कंपनी में अच्छी कंपनी निकल के आ रही है। एक्विजिशन के बाद इस कंपनी का बायोटेक ये जो स्पेसिफिकली जो है वर्टिकल है जिसमें कंपनी आने वाले दिनों में और अच्छा यहाँ पे जो है काम कर सकती है। अगर हम लोग रिसेंट रैली की दोस्तों बात करें तो ये जो रैली स्पेसिफिकली हुई है वो हाइड्रोक्लोरोक्विन ये दवाई की वजह से हुई है। तो कोविड-19 का असर जैसे जैसे कम होगा, जैसे जैसे यहाँ पे दवा आएगी, यहाँ पे मरीज कम हो गए, तो उसकी पॉसिबली हम लोग जो है गिरावट थोड़ी देख सकते हैं, करेक्शन देख सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से कंपनी ने जो है मैनेजमेंट ने अच्छा डिसीजन दिया है यहाँ पे एक्विजिशन करने का, तो उसके बाद कंपनी जो है बायोटेक्नोलॉजी में और ग्रो कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कंपनी में कुछ पॉजिटिव भी बातें हैं, कुछ नेगेटिव भी बातें हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे एनालिसिस करके आप आपके पोर्टफोलियो कम से कम 5 से लेके 7% का हिस्सेदार जो है इस स्टॉक में लगाने के लिए सोच सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा हिस्सेदारी मत लगाई, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की अगर हम लोग बातें देखें तो जो रैली आई है वो कोविड-19 की जो है ये दवा है
हाइड्रोक्लोरोक्विन उसके वजह से आएगी, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। कंपनी मिड कैप साइज की कंपनी है, ये दो जो है यहाँ पे बड़े जो है अलर्ट वाले पॉइंट निकल के आ रहे हैं। तो लॉन्ग लंबे टाइम की अवधि के लिए ये आपको जो है, अगर आपके पोर्टफोलियो ऑलरेडी ये स्टॉक होगा तो आप इसको जो है टाइम टू टाइम यहाँ पे ट्रैक करते रहिए। टाइम टू टाइम जो है कंपनी के जो है नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट एज वेल एज एक्सपेंस पे ध्यान रखिए, और उसके बाद आगे के डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा पर्सनल एनालिसिस, डेफिनेटली आप आपका खुद का एनालिसिस जरूर कीजिए, उसके बाद इस स्टॉक में एंट्री या एग्जिट के बारे में सोचिए। ऑल्सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक की वजह से ये जो वीडियो है और रिटेल इन्वेस्टर के तक पहुंचेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।